ये देख सकते हैं ग्रीन हो रहा है, मतलब उसकी सबमिट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुडे ऑल जॉब्स एंड अपडेट की तरफ से आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों आप लोगों को मालूम है, पिछली वीडियो में मैंने एडवांस में ही बता दिया था कि सिंध रेंजर की भर्ती का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि सिंध रेंजर की इस टाइम अभी जिस टाइम ये वीडियो बनाई जा रही है अभी तक इश्तिहार नहीं आया। तो अगर इश्तिहार नहीं आया, आप लोग यहां पर अप्लाई करना चाह रहे हो, तो अक्सर लड़के मुझे व्हाट्सएप पर और कमेंट्स में पूछ सकते हैं, पूछ रहे हैं कि भाई हम लोग अभी रेंजर पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसे स्टेप बताऊँगा जिसकी मदद से आप लोग रेंजर में अप्लाई कर सकते हो, मतलब एक माह बाद, एक हफ्ते बाद, दो दिन बाद, या जब भी रेंजर की ये जॉब अपकमिंग जो आनी है, जब ये वीडियो बनाई जा रही है अभी आई नहीं है, जब ये आनी है तो उस टाइम ये आप लोग अभी अप्लाई कर लोगे वो वैलिड होगा। तो किस तरह वैलिड होगा अभी आप लोगों ने ये वीडियो गौर से देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुरू करते हैं। यहां पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को नहीं मिलेगी, यहां पर हिदायत है, इस जगह पर क्लिक करोगे, ठीक है, हिदायत सारी उर्दू में है वो पढ़ लो, ठीक है। इस जगह पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन परफॉर्म आ जाएगा। मजीद ये देख लो, ये रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, इस तरह भर्ती करेंगे। आप लोगों ने बस ऑनलाइन अप्लाई करना है और फॉर्म सबमिट करना है, बाकी प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑफिस या वो रेंजर वाले करेंगे, ये साइड वर्क, ठीक है। ये तकरीबन 6 से 7 प्रोसेस है, ये वो ही करेंगे। अब आप लोगों को यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका बता रहा हूं, वीडियो गौर से देखनी है और आखिर में मेरी बात गौर से सुननी है, जो कि रेंजर की भर्ती आने से पहले जिन्होंने अप्लाई कर लिया या अप्लाई करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस। तो दोस्तों सारी हिदायत के बाद अब आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूं, वीडियो आप गौर से देखनी है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपना CNIC नंबर इस जगह पर लिखोगे जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ दोगे, जो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो वो आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने ध्यान से और ठीक ठीक देनी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ दोगे तो फौरन ही नीचे आप लोगों की उम्र आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं एक फर्जी डेट ऑफ बर्थ मैंने दी है, उसकी उम्र आ गई है 19 ईयर 11 मंथ 28 दिन ओल्ड, ये डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है। अप्लाइड फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट पर आप लोग अप्लाई करोगे नीचे एक पॉपअप आएगा कि यहाँ पर फलां फलां अप्लाई कर सकते हैं, कद इतना, हाइट इतनी, एजुकेशन इतनी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड कर लेना है, जब ये कर लो, सेंटर आप लोग दे सकते हैं, ये सेंटर है, ये सारे सेंटर आप लोग जो आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग रख सकते हो। एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर और वो ये है कि आप लोग अपने सूबे में सेंटर रखो तो वो सबसे बेहतर रहेगा। मजीद कह रहे हैं कि सेंटर चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, ओरिजिनल नाम, ठीक है, जैसे कि शनाख्ती कार्ड पर होता है। फादर नाम लिखोगे इस तरह जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, आप लोग ने अपने हिसाब से ओरिजिनल रखना है। यहाँ पर डोमिसाइल आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, जो देख सकते हैं डोमिसाइल आप लोगों का जहाँ से है वहीं से आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जो आप लोगों का डोमिसाइल होगा वही सिलेक्ट करने के बाद नीचे आना है डिस्ट्रिक्ट पर, डिस्ट्रिक्ट को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लो, मज़ीद आप लोगों को आगे बताता हूँ मैं। तो डिस्ट्रिक्ट मैं एक आध सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि मज़ीद आप लोगों को मैं समझा सकूँ, सेम प्लेस ही हो। इसके बाद जेंडर आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है, मेल यहाँ पर सिर्फ शो हो रहे हैं, फीमेल शो नहीं हो रही, मे भी बाद में शो करें। हाइट देख लें, 5 फिट 8 इंच मैंने सिलेक्ट की है, लेकिन रिक्वायर हाइट जो है ना 5 फिट 6 इंच है, ठीक है। तो आप लोगों ने ओरिजिनल हाइट यहाँ पर डालनी है। मार्शल स्टेटस होता है कि शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, जो हिसाब किताब हो वो सिलेक्ट करना है। रिलीजियन सेलेक्ट करना है, मतलब गैर मुस्लिम, मुस्लिम, जो हिसाब किताब हो वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। नीचे आना है इस जगह पर मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा तो कीबोर्ड नहीं आ रहा, अगर आप लोगों का आ रहा हो तो यहाँ पर लाजमी इसको फिल करना है। परमानेंट एड्रेस फिल करोगे, परमानेंट एड्रेस आप लोगों के शनाख्ती कार्ड के पीछे दिया गया होगा। कॉन्टैक्ट नंबर मतलब आप लोगों का नंबर वो देना है यहाँ पर, फॉर SMS रेंजर की तरफ से जो आप लोगों को SMS आएगा वो इसी नंबर पर आएगा, लिहाजा ये वाला नंबर ठीक ठीक देना है। ये एडिशनल नंबर है, अगर ऊपर वाला बंद हुआ तो फिर नीचे ये है, ठीक है, लेकिन पहला नंबर आप लोगों ने ठीक देना है, नीचे वाला फिर जो आप लोगों का दूसरा वो भी दे सकते हो।
क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पर जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन हो वो सिलेक्ट करनी है। मैंने बी ए सिलेक्ट कर रखी है, ठीक है। मैट्रिक भी यहाँ पर है पड़ी, तो वो भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे नीचे होगी मैट्रिक, ये देख सकते हैं, ये मिडिल है और उस इसके ऊपर ही कहीं होगी, नीचे या ऊपर नीचे कहीं होगी, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद उसके टोटल नंबर दोगे, हासिल करदा नंबर दोगे, परसेंटेज निकालोगे। टेक्निकल डिप्लोमा आप लोगों ने अगर किया होगा तो वो देखो सी आई टी 6 मार्क का जो बनता है, यानी कि कंप्यूटर आई टी टेक्नीशियन या कंप्यूटर आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये मैंने 6 मार्क का दिया। अगर आप लोगों का ये नहीं है तो इसको नहीं भी आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता। यहाँ पर ऊपर ऑप्शन होगा, इसको सिलेक्ट इस जगह पर करना है, ठीक है। तो मैंने डाला हुआ है, आप लोग भी यहाँ पर अगर आप लोगों का है तो डालना लाजमी है। ट्रेड फॉर एनसीओ, एनसी जो नैपका से तुमने वो अगर अप्लाई कर रहे हो तो ये उनके लिए, इसको छोड़ दें। और यहाँ पर देखें इस जगह पर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसके ऊपर एक कुछ लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ कि अगर आपके कोई रिश्तेदार जानने वाले रेंजर में जॉब कर रहे हैं तो उनकी डिटेल दें। अगर हैं पड़े तो ठीक है, खासतौर पर अगर आप उनका कज़न है ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक उसका दे सकते हैं, बाकी अगर आप उनका भाई वाले साहब है तो वो लाजमी दें। अगर दूर के रिश्तेदार हैं तो उनका कोई बात नहीं, ना दें। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर उनकी दोगे, रैंक दोगे, कैटेगरी दोगे, यहाँ पर टिक करोगे, ठीक है, और सबमिट पर क्लिक करोगे। तो मैं सबमिट पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर शायद मेरा मेलिंग एड्रेस जो है ना वो मिसिंग है, ठीक है। तो मैं मेलिंग एड्रेस इसको मैं ऐसे ही यहाँ पर लिख लेता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर ठीक ठीक मेलिंग एड्रेस दोगे। यहाँ पर मेलिंग एड्रेस देने के बाद जो मजीद अगर एरर होगा तो वो भी बता देगा, वरना यहाँ पर सबमिट करोगे हो जाएगा। ये देख सकते हैं ग्रीन हो रहा है, मतलब कि सबमिट हो गया है। अब यहाँ पर ये रूल नंबर आप लोगों ने संभाल कर रखना है। अब अक्सर लड़की यहाँ पर भूलेंगे तो रूल नंबर उनसे गुम होंगे, फिर वो दोबारा फिर मुझे कहेंगे वीडियो बनाओ। याद रखो, जब आप लोग अप्लाई कर लो इस जगह का स्क्रीनशॉट ले लो या किसी पेंसिल पर लिख लो, ठीक है। अब आप लोगों को मैं पढ़ाता हूं कि यहां पर लिखा हुआ क्या है। योर फॉर्म नंबर हैज सबमिटेड, योर रूल नंबर इज PBSP 10886, इन केस ऑफ शॉर्ट लिस्टेड यू विल बी इंफॉर्मेशन थ्रू SMS। अब इस जगह को आप लोगों ने अपना रूल नंबर याद रखना है, ये मेरी बात सुननी है और समझनी है, ठीक है। किसी कागज पर लिख लो, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, वो बेहतर रहेगा। जब ये सारा कुछ कर लो, स्क्रीनशॉट अपने ले लो, सारा कुछ करने के बाद नीचे देख सकते हैं कुछ मजीद अगर है तो वो भी देख लेते हैं। कुछ नहीं है, अप्लाई हो गया है, ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, तो अब आप उनका अप्लाई हो गया है। तो इस तरह अप्लाई करोगे आप लोग। मजीद मिलते हैं एक और जॉब अपडेट में।